हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड टुडे आवर टॉपिक इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP क्या होता है। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से हमें फ़र्क भी पता चल जाएगा कि GDP और GNP में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, वो भी हमें समझ आ जाएगी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उर्दू में मीनिंग आएगा मजमुई कौमी पैदावार, ठीक है। ग्रॉस मजमुई नेशनल कौमी और प्रोडक्ट पैदावार। GNP includes all output produced by the country's economic resources regardless of location, i.e. in a sense whether the resources are located inside or outside the country. GNP, gross national product, मजमुई कौमी पैदावार, के एक कौम जो है कितनी पैदावार कर रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो इंक्लूड करती है ऑल आउटपुट, जितने भी आउटपुट्स हैं, पैदावार है, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस बाय द कंट्रीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो किसी मुल्क के माशी वसाइल के मदद से पैदा किए जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, बावजूद के उनकी लोकेशन कहाँ है। अगर वो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं चाहे वो मुल्क के बाहर हैं, वो जितनी भी पैदावार कर रहे हैं उनकी मनी वैल्यू जो है हम GNP में इंक्लूड करते हैं। वेदर द रिसोर्सेज आर लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, चाहे जितने भी वसाइल हैं कंट्री के वो कंट्री के अंदर पैदावार कर रहे हों या कंट्री के बाहर पैदावार कर रहे हों, उन सब पैदावार की मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो होती है हम GNP में इंक्लूड करते हैं। यही फ़र्क है GNP और GDP में। GDP में जो कुछ मुल्क के अंदर बन रहा होता है, चाहे वो मुल्क के लोग बनाएं या दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में बना रहे हों, उन प्रोडक्ट की, उन आउटपुट की जो मनी वैल्यू होती है हम GDP में इंक्लूड करते हैं। मुल्क के बाहर कुछ बन रहा होगा, चाहे वो हमारे मुल्क के लोग ही बना रहे होंगे, वो GDP में इंक्लूड नहीं होते। लेकिन GNP में ऑपोजिट है। GNP में जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, वेदर दे आर रिसोर्सेज आर लोकेटेड इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, वो जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो मनी वैल्यू है हम वो GNP में इंक्लूड करते हैं। GNP अकाउंट्स गुड्स प्रोड्यूस बाई नेशनल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। GNP जो है वो अकाउंट करती है तमाम गुड्स को, तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द नेशनल, मुल्क के रहने वाले शहरियों से, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, चाहे मुल्क में रहें चाहे वो मुल्क के बाहर रहें, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इनकम वो कमा रहे हैं, जो भी पैसा वो बना रहे हैं उनको बेच के, उनकी मनी वैल्यू GNP में इंक्लूड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कार प्रोड्यूस बाय जनरल मोटर GM USA, एक जनरल मोटर कंपनी है कार की जो कि USA की कंपनी है, अगर वो कार प्रोड्यूस करती है इन मेक्सिको, मेक्सिको के अंदर, अमेरिका के साथ ही बॉर्डर है मेक्सिको का, वहाँ पे कार प्रोड्यूस कर रही है, आर इंक्लूडेड इन द GNP ऑफ US, उस कार, जितनी भी कार वो मेक्सिको में बनाएगी उसकी जो मनी वैल्यू जो है वो US की GNP में इंक्लूड होगी, बट एक्सक्लूडेड इन GDP, लेकिन GDP में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि GDP में जो कुछ मुल्क के अंदर बन रहा होता है उसी की मनी वैल्यू GDP में ऐड करते हैं। लेकिन GNP में, चाहे वो मुल्क के बाहर ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन वो मुल्क के लोग हैं तो उनकी जो मनी वैल्यू होगी, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो बनाएंगे, उसको हम GNP में इंक्लूड करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो क्लियर फ़र्क पता चल रहा है GDP और GNP में, वो यहाँ से क्लियर हो गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मजमुई कौमी पैदावार की इक्वेशन ऑफ GNP, के GNP की इक्वेशन क्या है। जैसे GDP की इक्वेशन थी वैसे GNP की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। GNP इज इक्वल टू C, ठीक है, हमें C का पता है, छोटी सी आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ देख लेंगे, प्लस IG प्लस G प्लस X माइनस M प्लस नेट फैक्टर इनकम NFI। एक नई चीज़ एंटर हो गई है, नेट फैक्टर इनकम। अब नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम होती है इनफ्लो लेस आउटफ्लो, जितना पैसा हमारे मुल्क के लोग बाहर कमा रहे हैं उसको अपनी GNP में ऐड कर लें, और जितना पैसा उस मुल्क के लोग हमारे मुल्क से कमा रहे हैं उसका पैसा माइनस कर दें तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम आ जाती है। सिंपल इज दैट, अगर सपोज करेंगे पाकिस्तान की GNP निकालनी है तो उसमें नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना है, तो जितने भी हमारे मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों में काम कर रहे होंगे, जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जितनी इनकम उनके पास उसकी आ रही होगी, उसकी मनी वैल्यू हमने ऐड कर लेनी है, लेकिन उसमें से माइनस करना है जितने भी मुल्क, दूसरे मुल्कों के लोग हमारे मुल्क से कमा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, जो अमाउंट निकलेगी वो नेट फैक्टर इनकम कहलाती है।
आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देख लेते हैं। सी हमें पता है, सी इज डिफाइंड एज आर प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल, जितने भी निजी अखराजात है हमारे लोगों के, वो पर्सनल जाती जो एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी घर वालों के, चाहे वो फूड पे हो, मेडिसिन पे हो या एजुकेशन पे हो, उसको हम कहते हैं सी। सी को ऐड कर लेना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई जी। आई जी इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल कंट्री ऑन कैपिटल आइटम मशीनरी बिल्डिंग ह्यूमन हाउस, जितना भी सरमायाकारी हम करते हैं कैपिटल आइटम्स के ऊपर, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, कोई कारोबार है जिसने मशीनरी इक्विपमेंट खरीदी है प्रोडक्ट सर्विस बनाने के लिए, या मशीनरी खरीदे, या घर खरीदे हैं, प्लाट खरीदे हैं, लैंड खरीदे हैं, ये सारे आई जी के अंदर आ जाते हैं, इसको भी ऐड कर लेंगे। साथ में जी है ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गवर्नमेंट जो है हमारी हुकूमत जो खर्च करती है पैसा अवाम के ऊपर, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉई हैं जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो टीचर्स हों स्कूल्स के या गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, उनकी सैलरीज देनी होती हैं वो अखराजात। पब्लिक बेनिफिट, वेपन्स, आर्मरी, आर्मी के ऊपर जितना खर्चा होता है, सारे के सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो जीएनपी इंक्लूड हो, जीएनपी में ये भी इंक्लूड होता है। सिमिलर एक्स हमारे पास ग्रॉस एक्सपोर्ट है, एम हमारे पास ग्रॉस इम्पोर्ट है, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट होगी वो भी जमा कर लेंगे। तो ये तो वहाँ तक जीडीपी तक सेम टू सेम सारी सिचुएशन चल रही है। अब फाइनली हमारे पास आ जाती है नेट फैक्टर इनकम। तो यहाँ तक हमारे पास जीडीपी बनता है, जैसे कि जीडीपी में देखा था, तो डैट इज़ वाई जीएनपी को कहा जाता है इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई। अगर जीडीपी के अंदर हम एनएफआई नेट फैक्टर इनकम जो है ऐड कर दें, कि जितना पैसा हम बाहर से कमा रहे हैं वो जीडीपी में ऐड कर दें, और जितना बाहर वाले हमसे कमा रहे हैं वो माइनस कर दें, तो नेट फैक्टर इनकम हमारे पास आ जाती है। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जितनी पेमेंट हम बाहर के मुल्कों से कमा के आ रहे हैं उसको माइनस कर दें, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, जितनी पेमेंट बाहर के मुल्क वाले हम हमारे मुल्क में कमा रहे हैं वो उनके माइनस कर दें, तो वो नेट फैक्टर इनकम बन जाता है। तो नेट फैक्टर इनकम को ओपन करके यहाँ पे लिखा गया है फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, जब ये वैल्यू निकल आएगी तो इसको हम नेट फैक्टर इनकम कहते हैं। जब नेट फैक्टर इनकम जीडीपी में ऐड हो जाएगा तो वो जीएनपी ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे हम देखें, इफ़ नेट फैक्टर इनकम इज इक्वल टू जीरो, जितना हमारे लोग बाहर के मुल्कों में प्रोडक्ट और सर्विस पैदा कर रहे हैं उनकी मनी वैल्यू, जितना वो कमा रहे हैं उनकी मनी वैल्यू, और जो बाहर के मुल्क के लोग हमारे मुल्क में कमा रहे हैं या प्रोडक्ट और सर्विस पैदा कर रहे हैं उनकी मनी वैल्यू बराबर हो जाए, तो नेट फैक्टर इनकम जीरो हो जाएगी, ठीक है। जितना माइनस कर दिया फैक्टर इनकम जीरो, तो जीएनपी जो है वो इज इक्वल टू जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम जीरो तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी हो जाएगा। ये इस तरह के एमसीक्यूज बन जाते हैं। अगर नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव है, यानी कि हम जो कमा रहे हैं बाहर के मुल्कों में या पैदावार कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं और बाहर वाले हमारे मुल्क में कम कर रहे हैं, तो हमारी जीएनपी जो है वो ग्रेटर देन जीडीपी होगी, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम की कोई ना कोई वैल्यू होगी वो ऐड कर देंगे तो जीडीपी में ऐड हो जाएगी, तो जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी हो जाएगा, सिंपल इज दैट। अगर नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है, मींस के जो बाहर से हमें पेमेंट आ रही है वो कम है और जो हमारी पेमेंट बाहर से लोग लेके जा रहे हैं वो ज़्यादा है, तो जीएनपी विल बी स्मॉलर देन, ठीक है, जीडीपी हो जाएगा। तो जीएनपी जो होगा वो स्मॉलर देन जीडीपी हो जाएगा। आपको पता है हमारे मुल्क से कितने लोग सऊदी अरब, यूएई, कितने मुल्कों में कमाने जाते हैं, वहाँ पर जाके मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। सिमिलर कितने बाहर की मुल्क की कंपनियाँ हमारे मुल्क में कमा रही है, मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। तो पैदावार वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। बनी बनी इम्पोर्ट अलग चीज़ है, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करना अलग चीज़ है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमने एक्स माइनस एम देख लिया, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है वो अलग बात है। तो ये तमाम फैक्टर को ऐड करना पड़ता है, तब ही जाके हमारे पास ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट, मजमुई कौमी पैदावार होती है। अब हर मुल्क की अपनी मर्जी है वो जीडीपी देखे या जीएनपी देखे, लेकिन मोस्टली जो है जीडीपी मेजर की जाती है एज अ नेचुरल इनकम के तौर पर, कि मुल्क की आमदनी कितनी है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है नेशनल इनकम का, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का, वो कंप्लीट होता है। स्लाइस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।